So hey guys, how are you all? This is your host engineer Abhishek Singh and you are watching my mechanical support. Guys, आप समझ ही गए होंगे, मैं आ गया हूँ अपने बाइक का जो अगला चक्का होता है, फ्रंट व्हील है, उसका टायर चेंज करने, ठीक है। और मैं आज कुछ नया करने वाला हूँ दोस्तों अपने बाइक में। आप देख सकते हैं यही वाला टायर लगाने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नया टायर बिल्कुल भी नहीं, ये सेकेंड हैंड टायर लेकर के मैं अपने फ्रंट व्हील में लगाने वाला हूँ। और आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि टायर खरीदते समय आप क्या कुछ ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। और ये किसी ने अपने बाइक में लगाया था, ट्यूबलेस टायर जो है वो सक्सेस नहीं किया, तो फाइनली उसने जो है वो ट्यूब वाला टायर लगवाया और उसने इस वाले टायर को बिल्कुल ही दोस्तों दुकान पे ही रख के चला गया, जिसको ये फिर से दोस्तों ये सेल कर रहे हैं दुकान वाले। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिक्योरा जूम एफ जो है वो मॉडल है, सीएट कंपनी का ये टायर है, ठीक है। और 60-70% टायर जो है वो बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्यूबलेस टायर को उसमें ट्यूब नहीं डलवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो सोचते हैं दोस्तों वो किस तरीके से, आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, ये ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। और इसी वीडियो में आप देखने वाले हैं कि इसमें ट्यूब किस तरीके से लगाएंगे, हवा भरने के बाद इसका क्या दोस्तों जो है वो परफॉर्मेंस रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी पुरानी टायर थी जिसका कि ग्रिप काफ़ी कम हो गया था दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है कि आप, बहुत से लोग के मुंह से सुने होंगे दोस्तों कि 30,000, 35,000, 40,000 पे आपका टायर का जो है वो चेंज करने का समय आ जाता है। तो ऐसे कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है वो मार्किंग ना तो कंपनी करती है और ना ही दोस्तों आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। जब भी दोस्तों आप पहले टायर को देखें, चूँकि हर किसी का जो लोकेलिटी है दोस्तों जहाँ पर आपको बाइक चलाने हैं वो सिचुएशन अलग है। किसी को दोस्तों हाईवे पर ज़्यादा चलना होता है, किसी को दोस्तों ख़राब रास्तों पर चलना होता है, कोई पथरीले रास्तों पर चलता है, तो हर किसी का टायर दोस्तों 30,000, 35,000, 40,000 तक नहीं चल सकता है। आपका जो बाइक चलाने का स्टाइल है उस पर भी डिपेंड करता है कि टायर आपकी कितनी लंबी जो है वो दूरी आपके साथ में रहेगी। ये देखिए, ये ट्यूब है और ट्यूब को दोस्तों बिल्कुल जो है वो अंदर डालने का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, जबकि टायर ट्यूबलेस है। टायर के ट्यूबलेस रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आप आराम से उसके अंदर ट्यूब डाल करके भी, और जितने भी लोग ट्यूबलेस टायर से परेशान हैं एक बार अंदर में ट्यूब डलवा के देखिए दोस्तों, यकीन मानिए आप थोड़े से परेशानी से बिल्कुल जो है वो बच जाएंगे। क्योंकि अगर दोस्तों ट्यूबलेस टायर में पंचर होना एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर वो पंचर दोस्तों क्या होता है कि परमानेंटली हल्का सा रह जाता है, और उससे क्या होता है कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह में देखेंगे दोस्तों कि आपका हवा कम हो रहा है, जबकि ट्यूब में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता है, ठीक है। तो ट्यूबलेस टायर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ट्यूब उसमें आराम से डाला जा सकता है। मैं आपको जो है वो फुल फिटिंग भी दिखा रहा हूँ, और डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसे रास्ते पर चलते हैं। ऐसे दोस्तों आपका ग्रिप अगर कम होने लगे, ठीक है, आपका जो ऊपर का ग्रिप है वो बिल्कुल जो है वो चक्के को देखेंगे, टायर को देखेंगे तो चिकना दिखने लगेगा दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि आप टायर चेंज करने की समय हो चली है दोस्तों। आपको ट्रिप मीटर या फिर दोस्तों इस तरीके से ऑडोमीटर को देख करके बिल्कुल भी ये जज नहीं करना है कि आपकी टायर और कितनी चलेगी, और ना ही दोस्तों आपको जो है वो पंचर वाले जो भी व्यक्ति है उनके कहने से दोस्तों जो है वो टायर आपको चेंज करना, आपको खुद चेक करना है। और टायर खरीदते समय जब नया टायर खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हैं, किस तरीके से टायर का साइज होता है, और ये ऐसा नहीं है कि आपका जो टायर है वो सिर्फ आप ही के बाइक में लगेगा, ठीक है। टायर जब भी खरीदने जाए दोस्तों वो साइज़ के अनुसार होता है, उस साइज़ के जितने भी बाइक होंगे दोस्तों, जिसका भी अलॉय व्हील उस साइज़ का होगा उसमें वो टायर फिट होगा ही होगा, ठीक है। तो हर बाइक के लिए अलग से टायर नहीं आती है, इस चीज़ को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जो है वो हवा यहाँ पे डाल दिया जा रहा है। अब हमारा वीडियो फाइनल के तरफ है दोस्तों, कि क्योंकि अब इसकी फिटिंग की जाएगी और मैं इसको दोस्तों आपको बिल्कुल रिव्यू देता रहूँगा समय समय पे कि ये टायर कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानिएगा दोस्तों आपकी सेकेंड हैंड टायर जो कि 60-70% बची हुई दोस्तों, नया में इसकी कीमत जो है वो 1500 के करीब है, मुझे ये 650 रुपये पर ही है और 50 रुपये मैं इनको फिटिंग चार्ज देने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप भी